हेलो गाइस, ये मेरी कैनन की मशीन है। मशीन मेरा मॉडल नंबर है एडवांस 6075। आइए आज मैं आपको इसमें सिखाता हूँ इमेज क्वालिटी को एडजस्ट करना। इमेज क्वालिटी को कैसे एडजस्ट करेंगे उसके लिए मुझे पहले स्टार 28 स्टार कॉपियर फंक्शन में 2D शेड में ये मेरा शेड पिक टाइप शेड P1 और पिक टाइप 1 आपकी जिस ट्रे में इसे निकालना हो उस ट्रे से, और ये ओके कर देते हैं। इसको ओके करने से मेरी मशीन यहाँ पे कॉपिंग दिखाएगी और मेरे को एक ये प्रिंट देगी। ये इसको करने से पहले आपको एक चीज़ देखना होगा कि ये एकदम इक्वल आना चाहिए। उसके लिए मुझे पहले चार्जिंग ड्रम और सब कुछ इक्वल कर लेना होगा जिससे मेरा शेड्स एकदम ग्रे स्केल पूरा अच्छी तरह आए। इसको करने के बाद मैं आऊँगा, इसको मैं ये प्लेन किया और इसके लिए आएंगे रीड पे। इसको मैं ये मैंने इसको रीड करा दिया और इसने मुझे ओके बोला। इसी तरह मुझे ये तीनों हैं 2D साइड 2 2 आया 2 भी वही है। आपको सब कुछ पहले इक्वल करना है, 2 पे इक्वल करेंगे फिर इसको रेड करेंगे ओके। उसके बाद हम आएंगे सेट 3 में, सेट 3 को प्रिंट करेंगे। मेरा सेट 3 आया है, मेरी DP थोड़ी ट्रबल कर रही है इसलिए सेट 3 इतना बेहतर नहीं आया है, और लेकिन तभी मैं इसमें काम चल लूँगा। ये तीनों ओके करने से आपकी एक सिम्टम्स आएंगे इमेज क्वालिटी को चेक करने के लिए। मैं आऊँगा पहले लेवल 2 में कि मेरी वैल्यू गेंस हुई नहीं हुई। लेवल 2 में आने से मैं जब आऊँगा फंक्शन और 2D शेड्स की मेरी अगर मेरी वैल्यू गेंस हो जाएंगी तो सारी मेरी वैल्यूज 0000 दिखाएंगी। इससे मेरी प्रिंट क्वालिटी सेट हो गई है। अब इसको टेस्ट करने का एक तरीका है, अब इसको मैं टेस्ट करूँगा मेरी प्रिंट क्वालिटी कैसी हुई है। इसके लिए मैं सबसे अच्छा अपनी करेंसी नोट को लेता हूँ। करेंसी नोट, ये मेरी करेंसी नोट, इससे अच्छा फाइन प्रिंटिंग किसी में नहीं होती है। इसके सेट को रीड करने के लिए मैं इसको लगा दूँगा यहाँ पे, मैं इसको लगा दूँगा इस पे, और अब मैं थोड़ा इसको इनलार्ज कर लूँगा 140%, और मैं इसकी क्वालिटी निकाल के देखूंगा मेरी प्रिंट मशीन मेरी क्या क्वालिटी दे रही है। अब मेरी क्वालिटी ने मुझे ये प्रिंट प्रोड्यूस किया है। अब देखिए एक एक डॉट्स, एक एक चीज़ एकदम फाइन क्वालिटी की इसने कर दी है। ये देखिए वाटरमार्क तक को इसने प्रिंट कर लिया है। ये तरीका है आप अपनी क्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके बॉस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।